गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आज है डेट 19 और 7:30 बज रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर चंडीगढ़ में इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेरे भाई का पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो यहीं चंडीगढ़ में सेक्टर 42 में पढ़ा है उसका एग्ज़ाम। तो कल क्या हुआ, जब हम स्टेशन से निकले तो उसका कॉल आया, उसने अपना एड्रेस बताया, हमने वहाँ से टेम्पो किया और सेक्टर 52 का इसका इधर है, तो सेक्टर 52 में आए और मतलब खाना खाया हमने और सो गए, ज़्यादा कुछ किया नहीं इसी वजह से, और थक भी गए थे थोड़ा सा, तो इसी वजह से थोड़ा ब्लॉग बना नहीं पाया मैं। अभी क्या अपना प्लान ये है कि अभी 9:30 बजे निकलना है यहाँ से, 10 बजे एंट्री है, 10:40 से पेपर है। पसर के सो रहा है, देखो अभी रात में सो के ज़ुकाम हो गया यार, हल्का सा ऐसा लग रहा है ज़ुकाम सा हो गया है। यहाँ चंडीगढ़ में एक चीज़ देखी मैंने, जो एरिया है ना, मतलब इक्वल पार्ट्स में इनको बांट रखे हैं, इनके जो प्लॉट्स होते हैं, मकान होते हैं, इक्वल पार्ट्स में, और कुछ ज़्यादा बड़े भी नहीं है। इधर सेक्टर 52 के अंदर तो मैंने यही देखा, मतलब एक रूम जितना इन्होंने है ना प्लॉट काट रखा है, और उसके अंदर एक ही रूम बन पाता है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, एक के ऊपर एक ऐसे बना रखा है, एक ही सिंगल रूम। तो अभी फ्रेश हो जाता हूँ मैं, अभी 7:30 दिखाऊँ मैं आपको टाइम, अगर दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा होगा, लाइट है उधर। तो अभी नहा धो के हम रेडी हो गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 8:30, सेब खा रहे हैं और ये रहा अभी यहाँ से निकलने का 9:30 बजे का प्लान बताया था मैंने, 9:30 बजे निकलेंगे। खाना वाना बना रहा है वो, मैं बना क्या करें, तो खाना पीना खा के थोड़ा बहुत जो भी नाश्ता होगा ठीक है, और अपन निकलेंगे। तो हेमचंद, आपको अपने ही पार्क में हमारे साथ घूमकर कैसा लग रहा है? यहाँ से पैर लगता था भाई, ठीक है। गजब बेइज्जती है, कोई खास चीज नहीं है, मतलब हमारा साथ आपके लिए कोई वही नहीं है, मतलब कुछ अलग से फील नहीं हो रहा है? नहीं। अब भाई जिसको पंजाबी नहीं आती वो क्या करेगा, कैसे पढ़ेगा इनको, कैसे पढ़ेगा? तो अभी हम सेक्टर 52 की गलियों रोडों पे हांड रहे हैं हेमचंद के साथ। अब यहाँ से आ गया सेक्टर 53, ये पूरा ये आ गया सेक्टर 53। ये हमारे गाइड, हमने एक पार्ले जी के पैकेट में रखे हैं। ये तो गेट बढ़िया है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कम मैं भी करके देखूं एक बार। अच्छा। फुटबॉल खेलो यहाँ पे, ये पार्क है क्या? फुटबॉल खेलो यहाँ पे। अभी हम गेट से खेल रहे थे, तो अभी अंकल देख रहे हैं और ऐसी नज़रों से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऐसे सोच रहे हैं कि कौन से देश से आए हैं ये, कैसी पागल हरकत कर रहे हैं ये। तो अभी आए हैं यहाँ, इसके घर के पास में एक मंदिर है माता वैष्णो देवी का, तो कैसा है।
जय भैरव बाबा। थोड़ी पूजा वूजा कर लेता हूँ, क्या पता अच्छे नंबर आ जाए। हाँ भाई थोड़ी पूजा वूजा कर ले, थोड़े नंबर वंबर भगवान से मांग ले, कि एक आधा एडमिशन दिलवा देना मन चाहे कॉलेज में। हैं तू क्या शर्मा रहा है? सर तो अभी आए हम, साढ़े नौ बजे का प्लान था बट लेट हो गया। अभी थोड़ा घूम घाम के आए और 9:30 का प्लान था पर अभी 9:35 हो चुके हैं। अभी थोड़ा खाना खाएंगे, मतलब मुझे लग रहा है 10 बजे जाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं जहाँ हमारा एग्ज़ाम है। तो भाई को उतार दिया है उसके सेंटर पे और हम यहाँ पे एक बगल में एक पार्क है, बहुत बढ़िया पार्क लग रहा है। तो यहाँ आए हैं, एक व्यू देता हूँ। काफ़ी अच्छा पार्क लग रहा है। एक चीज़ चंडीगढ़ में अच्छी है वो ये है कि इधर हरियाली बहुत है, लोग बहुत कम दिखते हैं, हरियाली बहुत दिखती है। ये क्या रहते हैं यहाँ पे?